सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। क्राइसिस अलर्ट एक मैकेनिज्म, ये हमें डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। कोई वैश्विक महामारी आ रही है, कोई पैंडेमिक आ रहा है, तो उसका अलार्मिंग बेल क्राइसिस के लिए एक सिस्टम सेट करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में ये डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से हम एजुकेशन में ला सके, हम खुद का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सर्वाइवल उसमें कैसे करे, उसकी क्राफ्टिंग काफ़ी विचार के साथ करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। कि हम नेचर को ग्रांटेड नहीं ले सकते, हम जब भी पूरे नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमें नेचर को भी संभालना चाहिए। नेचर कभी बोलता नहीं, लेकिन बोलता नहीं इसमें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भी कभी रिएक्ट नहीं करेगा। साल 2020 आखिरकार गुजर गया और दुनिया भर में लोगों ने अलग अलग अंदाज में 2020 को विदाई दी और नए साल का स्वागत किया। 2020 के फीडबैक पर लोगों से चर्चा तो नवी मुंबई ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग 2020 की याद के तौर पर कोविड-19 और लॉकडाउन का ही जिक्र करेंगे। लाखों लोगों की जान चली गई तो कई लोगों को कोरोना बीमारी से जूझना पड़ा। पृथ्वी के हर कोने में कोरोना वायरस का कहर टूटा। वैसे तो नवी मुंबई में वायरस की रफ्तार में अब कमी आ चुकी है, मगर जब कोरोना संक्रमण अपने चरम पर था तब कोरोना ने सभी को हर प्रकार के बदलाव यानी कि चेंज के लिए मजबूर कर दिया, मगर इतनी जल्दी बदलाव करना सभी के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नवी मुंबई शहर में ऐरोली विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में संदीप नाइक ने एक चेंज मेकर की भूमिका निभाते हुए विचार विमर्श किया, सवाल उठाए एवं पालिका को इन सवालों एवं मुद्दों के हल भी दिए। और केवल लॉकडाउन में हो रहे मुद्दों पर ही वे नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस बात पर भी सभी का ध्यान आकर्षित किया कि कोविड-19 से मिली सीख से हमें अब एक ऐसे विजन का नियोजन करना है जिसमें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हेल्थ केयर, शिक्षण, रोजगार और पर्यावरण। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हमें इन क्षेत्रों पर भी कोविड के बाद विशेष ध्यान देना होगा। उनकी नवी मुंबई शहर के प्रति दूरदृष्टि एवं काम करने के अंदाज को देखते हुए NMTV द्वारा युवा नेता संदीप नाइक को NMTV चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से नवाजा गया है। 2020 में पूरे साल पर्दे के पीछे रहकर शहर के हित में अनगिनत कार्य किए। जहां एक और विधायक गणेश नाइक ने एक कुटुंब प्रमुख की तरह नवी मुंबई के जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, वहीं दूसरी ओर संदीप नाइक उनके कदमों पर कदम रख चलते दिखाई दिए। कोरोना काल में खून की हो रही दिक्कत को देखकर उन्होंने अपना जन्मदिन रक्तदान शिविर का आयोजन कर मनाया, साथ ही अपने पक्ष कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को भी आह्वान किया कि प्रभाग की जनता को जो उपयुक्त हो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसके चलते नवी मुंबई के लगभग सभी प्रभागों में सामाजिक उपक्रम चलाकर लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किया गया। नवी मुंबई महानगर पालिका विद्युत विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने का प्रयास। संदीप नाइक की हमेशा से ही खासियत रही है कि बातें कम और काम ज्यादा। हालांकि इस साल मीडिया के साथ उनका संवाद ना के बराबर रहा, मगर उनके माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्य शहर के हित के लिए किए गए जिसके चलते वे हमेशा से ही सुर्खियों में छाए रहे।
तत्कालीन मनपा आयुक्त अन्ना साहब मिसाल हो या फिर वर्तमान आयुक्त अभिजीत बांगर, अपने बेबाक शैली में वे नवी मुंबई की समस्याएं उनके सामने रखते थे और आज भी रख रहे हैं। कभी कभी तो जनता के हित में कार्य किया जाए, इस मांग को लेकर महानगर पालिका में उनका आक्रामक रूप भी लोगों ने देखा है। लोगों के पास रोजगार नहीं था, जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटना बाकी था। ऐसे समय में विद्युत विभाग द्वारा लोगों को भली मोटी रकम वाले विद्युत बिल भेजे गए थे, जिसके खिलाफ अपने पिता गणेश नाइक के साथ उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की एवं अगर नवी मुंबई में बिजली का एक भी मीटर कटा तो आंदोलन का इशारा भी उनके माध्यम से दिया गया। नवी मुंबई में बड़े पैमाने पर गणेश नाइक द्वारा चलाए गए मिशन फीड द नीडी अभियान को सफलतापूर्वक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। लॉकडाउन में रोजगार ना होने के कारण किसी के घर का चूल्हा ना बुझे, ये भावना मन में रखकर उन्होंने नवी मुंबई के 111 प्रभागों में मिशन फीड द नीडी की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने अपने कार्यकर्ता, नगर सेवक एवं पदाधिकारियों की सहायता से हर एक घर में अनाज पहुंचाने का सफल प्रयास किया। केवल एक बार नहीं बल्कि 3 चरणों में अनाज का वितरण किया गया। कोरोना काल में लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल। कोरोना काल का शुरुआती दौर ऐसा था जहां इंसान इंसान के पास जाने से कतराता था। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद थे और उन्होंने अपने दरवाजों पर एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। ऐसे में जन जन तक पहुंचकर उन्हें दिलासा देना, उनके मन से कोरोना का डर हटाना काफी जरूरी था। ऐसे समय में संदीप नाइक एक परिवर्तन लेकर आए और उन्होंने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से संवाद साध कर उनका धीरज बढ़ाया और निराशा में खोए लोगों को जीने की नई उम्मीद दी। सत्ता से बाहर होकर भी अपने कार्यों से लोगों के मन पर छोड़ी छाप। युवा नेता संदीप नाइक आज भले ही सत्ता में ना हो, मगर आज भी उनका कार्य लगातार जारी है, फिर चाहे वो शासन एवं प्रशासन से जुड़े मुद्दे ही क्यों ना हो। एक कार्य सम्राट नेतृत्व के सभी गुणों का प्रदर्शन कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई की जनता की भलाई ही सोची। वे ये सोचकर नहीं रुके कि उनकी सत्ता नहीं है तो मुद्दे कैसे सुलझेंगे। अपने विधायक के कार्यकाल में उन्होंने मोगली डैम एवं दीघा रेलवे स्थानक का मुद्दा उपस्थित किया था। उसी मुद्दे को पूर्ण स्वरूप देने के लिए उन्होंने अपने पिता गणेश नाइक के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उनसे आश्वासन लेकर ही वे वापस लौटे। साल 2020 में संदीप नाइक लगातार बने रहे युवाओं की प्रेरणा। संदीप नाइक को एक युवा नेता के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा से ही युवा नगर सेवक एवं युवकों के प्रेरणा स्थान रहे हैं। युवाओं में स्वच्छता के प्रति जन जागृति एवं पर्यावरण के प्रति वे काफी गंभीर है, इसीलिए समय समय पर ग्रीन होप के माध्यम से उन्होंने वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें युवा अधिक से अधिक मात्रा में शामिल हो इसलिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। आरोग्य, शिक्षण एवं पर्यावरण को बनाई अपनी प्राथमिकता। विधायक संदीप नाइक ने अपने जीवन में हमेशा से ही आरोग्य, शिक्षण एवं पर्यावरण को प्राथमिकता दी है। कोविड के कार्यकाल में जब आरोग्य विभाग पर गैर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तब पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आक्रामक भूमिका अख्तियार कर राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया एवं महामारी के दौरान राजनीति ना करने की हिदायत भी महाविकास आघाड़ी सरकार को दी। जो ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट है, जिनको जानकारी है, उनको बाजू में रख के प्रतिनियुक्ति पे कुछ ऑफिसर्स बुलाए गए, जिनका अनुभव, जिनकी नियुक्ति, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। और जिनका अनुभव नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, जो सिस्टम में बैठते नहीं है, उनको कोरोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो यही सबसे बड़ा फेलियर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोक प्रतिनिधि का कंट्रोल नहीं है। प्रशासन को जो ज़रूरत है, जो आदमी सही है,
उसको काम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाहर से सिर्फ पोस्टिंग के लिए यहाँ पे नवी मुंबई में यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। और आप देखते हैं कि जो पहले समय जो गलत डिसीजन लिए गए कि यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल की निर्मिति एग्जीबिशन हॉल में की गई, उसका इनोग्रेशन का उन्होंने प्लानिंग किया, अरे यहाँ पे लोगों को सुविधा की ज़रूरत है, लोगों को बेड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए कि आपको इनोग्रेशन करना है। तो ऐसे गलत उद्दिष्ट के पीछे और गलत नियंत्रण में इस समय लोक प्रतिनिधि न होने के वजह से और प्रशासकीय राज होने के वजह से और प्रशासन को गलत तरीके से राजकीय उद्देश्य से और उद्दिष्टों से इस्तेमाल करने से उसका खामियाजा नवी मुंबई शहर को भुगतना पड़ा। जिनको जिम्मेदारी दी आज वो जिम्मेदारी से भाग गए, हमारे MOH और जिनके ऊपर कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आज वो कहाँ पे हैं। तो ऐसे आदमी को आपने सिलेक्ट ही क्यों किया कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, इस आदमी को उन्होंने वहाँ पे ये जवाबदारी नहीं देनी चाहिए थी। ये नवी मुंबई के लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। शिक्षण को लेकर संदीप नाइक हमेशा से ही गंभीर रहे हैं। कोविड कार्यकाल में जहाँ निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पालिका स्कूल के बच्चे शिक्षा से वंचित थे। विधायक गणेश नाइक के माध्यम से पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात के दौरान संदीप नाइक ने जल्द से जल्द पालिका स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने की बात पर जोर दिया। आपला तरीपण 1/3 पोर्शन त्यांचा निघून गेला आणि आपण ही सांगितलेली गोष्ट जून मध्ये आणि जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर आणि तो ऑक्टोबर म्हणजे आपण 3 महिने काहीच नाही केला। आणि आपल्याकडे शिक्षकांना पगार देतोय, शिक्षण अधिकाऱ्याला पगार देतोय, खर्च सगळा करतोय आणि मुलांपर्यंत शिक्षण काही पोहोचत नाही। तुम्हाला पाय असेल तर आम्ही NGO देतो चालवायला, महापालिका चालवत नसेल तर आपल्याकडे माणसं असताना का प्रयत्न करत नाही आपण? आपल्याकडे शिक्षक आहेत, मुख्याध्यापक आहेत, अधिकारी आहेत आणि नाही समजा 40,000 मधून 25,000 विद्यार्थ्यांना मिळालं तर ते पण योग्यच आहे ना। मग आपण काहीच करत नाही, आपण गंभीरच नाही आहोत, पर्यावरण प्रेमी संदीप नाइक ने पर्यावरण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ग्रीन होप इस संस्था की शुरुआत की एवं युवा वर्ग, नवी मुंबई के नागरिक, स्थानिक प्रशासकीय संस्थाओं के माध्यम से नवी मुंबई के पहाड़ी क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र, MIDC क्षेत्र में पेड़ लगाने का अनोखा अभियान छेड़ा। ग्रीन होप के माध्यम से उन्होंने शहर में 365 दिन ये अभियान चलाने की मंशा भी व्यक्त की। 1 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर पर्यंत स्वच्छता मोहीम नवी मुंबईतले सर्व स्टेशन आणि काही पर्यटन स्थळं खाडी किनारे याचा असा साफसफाई करण्याचा मानस आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी व्यक्त केला। 1 तारखेला कोपरखेरणे या स्टेशनजवळ या स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात झाली, त्याच्यानंतर मग गवळीदेव, ऐरोली स्टेशन, आज घनसोली आणि रबाळे, ही मोहीम अशीच 15 तारखेपर्यंत सुरू ठेवण्याचं उद्दिष्ट सर्वप्रथम आम्ही ठेवलेलं। परंतु एकंदर मिळणारा रिस्पॉन्स आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तरुणांचा होणारा सहभाग आणि त्यामध्ये लोकांमध्ये वाढणारा अवेअरनेस या माध्यमातून ही मोहीम फक्त 1 डिसेंबर ते 15 डिसेंबरपर्यंत मर्यादित न ठेवता 365 दिवस ही मोहीम सुरू ठेवण्याचं ग्रीन होप संस्थेनं ठरवलेलं आहे। कोविड-19 महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए चेंज मेकर कई शहरों में उभर कर आए। नवी मुंबई में संदीप नाइक एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इस महामारी को गहराइयों से जाना। बता दे कि भविष्य संवारने के लिए आपातकालीन स्थिति का निपटारा करने का अनुभव बेहद जरूरी होता है और वो अनुभव संदीप नाइक के पास था जिसका उन्होंने सही समय पर इस्तेमाल किया एवं कोविड-19 महामारी से नवी मुंबई को मुक्त करने की दिशा में सही समय पर सही निर्णय लेकर जो कार्यकर्तृत्व का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए NMTV द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2020 ये खिताब संदीप नाइक को दिया गया है।